नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर आए संकट की, दक्षिण में बीजेपी के सफाई के डर की, बात करेंगे राज्यसभा में क्यों नाराज हुए खड़गे, ईडी डायरेक्टर पर क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार, साथ ही जानेंगे ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के आदेश की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अभियान से डरी बीजेपी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने एनसीपी के दोनों गुटों को दिया नोटिस, पार्टी का अध्यक्ष कौन, शरद और अजीत पवार से मांगा गया जवाब। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों के एसीबी से जांच कराएगी सोरेन सरकार, 5 साल में बढ़ गई थी 1120% संपत्ति, कैबिनेट से पास कराया गया प्रस्ताव। 787 पदों पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, सरकार ने 185 पदों का किया इजाफा, 82,400 तक मिलेगी सैलरी। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सहित अन्य कंपनियों के पास पहले से एक्स ट्रेडमार्क, ट्विटर की रिब्रांडिंग के कारण कानूनी उलझन में फंस सकते हैं एलन मस्क। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर में पीएम मोदी संसद में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वैसे वो संसद के बाहर भी 36 सेकंड की स्पीच को छोड़ दें तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन अब विपक्ष ने पीएम मोदी को लोकसभा में बुलाने और मणिपुर पर बयान देने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही ले आया है, जिससे सरकार पर भी संकट दिख रहा है। पीएम मोदी मणिपुर पर संसद में अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं। विपक्ष मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसे लेकर तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में अब पीएम मोदी को संसद में लाने और मणिपुर पर बयान देने के लिए विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। लोकसभा में आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। दोपहर 12:08 पर स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि मुझे सदन को सूचित करना है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया है। गोगोई ने सदन की अनुमति मांगते हुए कहा कि ये सभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट करती है। अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस की स्वीकृति के लिए 50 सांसदों से ज्यादा के समर्थन की जरूरत होती है, इसलिए स्पीकर ने कहा कि जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो खड़े हो जाए। इसके बाद कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया की गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता खड़े हो गए। सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थी। स्पीकर ने बैठने का इशारा देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव की मंजूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों से चर्चा करके चर्चा की तारीख और समय बता दूंगा। विपक्षी दलों को एहसास है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो मोदी सरकार को नहीं गिरा पाएंगे। उनका मकसद भी सरकार गिराना नहीं है, मकसद मणिपुर पर पीएम मोदी को बयान देने के लिए मजबूर करना है। और अब जब अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है तो पीएम मोदी को मजबूरी में ही सही सदन में आकर बयान देना ही पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि हम जानते हैं कि सरकार के पास संख्या बल है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने पीएम को कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सकता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी ओर यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम को संसद में लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि विपक्ष देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव में संख्या बल सरकार के साथ है, लेकिन इसके सहारे विपक्ष के पास सरकार को सदन में घेरने का पूरा मौका मिलेगा, जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में भी मिलने की उम्मीद है। वैसे विपक्ष की कोशिश सफल तो होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दल विपक्षी एकता से दूर भाग रहे थे वो अब करीब आ रहे हैं। बेंगलुरु बैठक को 8 दिन भी पूरे नहीं हुए कि केसीआर के रुख में बदलाव आ गया। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। अब तक 2 बैठकें हो चुकी है और दोनों से ही तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस दूरी बनाए हुए थी, लेकिन बेंगलुरु के बैठक के 8 दिन बाद ही ये दूरी मिटती दिख रही है। बीआरएस अब कांग्रेस के साथ संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गई है, क्योंकि केसीआर की पार्टी भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आ गई है। केसीआर के विपक्षी कैंप में आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बीजेपी को दूसरा झटका कर्नाटक से लगा है, जहां जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी। जिस तरह से दक्षिण के राज्य में सियासी हवा चल रही है, उससे बीजेपी यहां बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही है। कर्नाटक में हाल ही में उसकी सत्ता चली गई है। तमिलनाडु में बीजेपी सहयोगियों के भरोसे ही है, और इस बार बीजेपी की सहयोगी पार्टी
AIADMK में भी विभाजन की स्थिति बन गई है। केरल और आंध्र प्रदेश में भी पार्टी पहले से ही बेहद कमजोर स्थिति में है और अब तेलंगाना में भी उसका आधार तेजी से घट रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर KCR की पार्टी BRS भी कांग्रेस के साथ आ गई है। KCR भी कांग्रेस को लेकर नरम पड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का पारा गर्म हो गया। खड़गे ने सदन में खुद के अपमान का आरोप लगा दिया, तो आखिर क्यों नाराज हुए विपक्ष के नेता, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर पर विपक्ष सदन के दोनों सदनों में जमकर विरोध कर रहा है, सरकार को घेर रहा है, प्लेकार्ड लहराई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संसद टीवी पर ये सब कैप्चर नहीं हो पा रहा है। संसद टीवी के कैमरे कमाल कर रहे हैं, कैमरे की नजर विरोध में ताकत नहीं है। संसद के अंदर का हर नजारा दिखाया जा रहा है, लेकिन जहां से विरोध की आवाज आ रही है सिर्फ वो हिस्सा टीवी कैमरे से छूट रहा है, जिस कारण विपक्ष के विरोध को देश देख नहीं पा रहा है। जब सत्ता पक्ष के मंत्री बोलते हैं तो कैमरा एक जगह फिक्स हो जाता है, लेकिन जब विपक्ष के सांसद के बोलने का नंबर आता है तो कैमरा का एंगल लगातार बदल जाता है। विपक्षी सांसदों के बोलने का जैसा ही नंबर आता है तो कुछ सांसद प्लेकार्ड लेकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सांसद प्लेकार्ड लहराते हैं तो कैमरे का एंगल बदल जाता है। स्पीकर के सामने वेल प्रदर्शन हो रहा है, वो भी टीवी के कैमरे की कैद में नहीं हो रहा है। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी बेहद नाराज दिखाई दिए, क्योंकि उनका माइक भी बंद करवा दिया गया था। खड़गे ने कहा, इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए, मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसका प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने, आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है, और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नहीं है नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। साफ है कि संसद के अंदर विरोध की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार को विपक्ष की ज्यादा चिंता भी नहीं है, इसलिए उसकी सुनी भी नहीं जा रही है। सदन के अंदर विरोध को कम करके दिखाने की कोशिश भी चल रही है, तो दूसरी ओर अपने चहेते अफसरों को बचाने की भी खूब कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस अधिकारी को हटाने के आदेश दिए थे उसके बचाव में मोदी सरकार फिर कोर्ट पहुंच गई। आखिर क्यों अपने चहेते अधिकारी को बचाना चाहती है मोदी सरकार, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के पास योग्य अधिकारी नहीं है, इसलिए जिस अधिकारी की सेवा अवधि समाप्त हो जाती है उसे बार बार एक्सटेंशन दिए जाते हैं। किसी अधिकारी को दो या किसी को तीन तीन एक्सटेंशन दिए गए हैं। संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। शुरुआत में उनका कार्यकाल 2 साल का था। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल पूरा होना था, इस दौरान वो 60 साल के भी हो गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने मिश्रा को 3 बार एक एक साल का एक्सटेंशन दे दिया। 2021 में मोदी सरकार ने एक विधेयक भी संसद में पास करवा लिया जिसमें ईडी सीबीआई डायरेक्टर के कार्यकाल को 5 साल कर दिया गया था। कानून में नियुक्ति 2 साल की थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान किया गया था। संजय मिश्रा को पीएम मोदी का पसंदीदा अधिकारी माना जाता है, तो दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि मिश्रा सरकार को खुश करने की नीयत से विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करते हैं। उनके कार्यकाल में ईडी की अधिकांश कार्यवाही विपक्षी नेताओं पर ही की गई, जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की है वहां ईडी जरूरत से ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। सरकार के अंदर भी इसे लेकर भय दिखता है, लेकिन जहां सरकार बीजेपी की है वहां ईडी की छापेमारी जैसी खबरें तक सुनने को नहीं मिलती। दूसरी ओर सरकार ईडी डायरेक्टर को लगातार एक्सटेंशन दे रही है, लेकिन 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के तीसरे एक्सटेंशन को अवैध बता दिया। सरकार को आदेश दिया गया कि 31 जुलाई तक नए निर्देशक की नियुक्ति कर दे, तब तक संजय मिश्रा को पद पर बने रहने को कहा, लेकिन केंद्र अभी भी संजय मिश्रा को उनके पद पर बनाए रखना चाहती है। इसके लिए उसकी ओर से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब मामले की सुनवाई 27 जुलाई को 3:30 बजे होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी है कि संजय मिश्रा कई महत्वपूर्ण मामले की जांच कर रही हैं। वो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह से परिचित हैं। इसलिए केंद्र की ओर से संजय मिश्रा के कार्यकाल को अक्टूबर तक बढ़ाने की मंजूरी मांगी गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है।
कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगा और संभावना है कि फैसला भी सुना देगा। दूसरी ओर एक फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी आया। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो क्या फैसला दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हलचल तेज है। इस केस को लेकर अदालत में कई तरह की याचिकाएं दायर की गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई जारी है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के काम पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी, उसे हाईकोर्ट ने बढ़ाकर अब 27 जुलाई की शाम तक कर दिया है। यानी 27 जुलाई को एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। दरअसल सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने 1 दिन का ही समय दिया। अब 27 जुलाई को 3:30 पर कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दावा किया है कि ये संरक्षित स्थल नहीं है, इस पर 400 साल से कोई विवाद नहीं था। दूसरी ओर एएसआई का दावा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर एएसआई एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद कानूनी सवाल अभी भी खड़ा है कि एएसआई को कोर्ट की कार्रवाई में पार्टी नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य या एएसआई की ओर से कुछ भी गलत किया जाता है तो कोर्ट उसमें हमेशा हस्तक्षेप कर सकता है, इनके काम को रोक सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से ये भी पूछा है कि अब तक कितना सर्वे हो चुका है। इस पर एएसआई ने बताया है कि अभी केवल 5% सर्वे हुआ है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा। एएसआई ने बताया कि 31 तक पूरा कर लेंगे। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अगर हिंदू पक्ष के मुताबिक ये सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी, वहीं हिंदू पक्ष ने इस बात से इनकार किया। एएसआई सर्वे पर अब 27 जुलाई तक रोक बढ़ा दी गई है। कोर्ट के रुख से वाराणसी में हलचल मची हुई है, तो दूसरी ओर इस समय पूरे राजस्थान में भी हलचल तेज है। दरअसल यहां 2-2.5 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है, क्योंकि राज्य के सीएम अशोक गहलोत लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। तो अब क्या फैसला किया है गहलोत सरकार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक और बड़ा राजनीतिक दाव चल दिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होलकर बोर्ड का गठन कर दिया। इसके सहारे एमबीसी समाज की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का रास्ता भी साफ हो गया। एमबीसी समाज में बारी, रायका, बंजारा, देवासी, लुहार, गाडरी, गडरिया, लबाना समुदाय आता है। गुर्जर भी एमबीसी समाज का ही हिस्सा है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभाओं पर इनका दबदबा माना जाता है, और अशोक गहलोत ने इस वर्ग को अपने पाले में करने का दाव चल दिया है। दरअसल चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सभी जातियों पर फोकस कर रही है और कोई न छूट जाए इसके लिए पूरी निगरानी भी चल रही है। इस बोर्ड के माध्यम से सरकार कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ मान रही है। ये बोर्ड अब एमबीसी में आने वाली जातियों की स्थिति का जायजा लेगा। प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। बोर्ड समाज के शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन, रोजगार को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने और परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर तरीके से आगे बढ़ाने सहित अन्य सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश की। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे। यहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस चुनावों को लेकर जिस तरह से किसानों के हक में वादे कर रही है, उससे सत्ताधारी बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। कांग्रेस राज्य में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2-3 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनावी तैयारियों में इस बार कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दे रही है। एक तरफ वो बीजेपी के नाकामियों को जनता के सामने लाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने 18 साल की एंटी इनकन्वेंसी अलग से परेशान कर रही है। बीजेपी की राह में पहले से ही मुश्किलें दिख रही है। इस मुश्किल को कमलनाथ की किसानों के हक में की गई घोषणाओं ने और बढ़ा दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों को लेकर आज 5 बड़ी घोषणाएं करके बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। घोषणा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में किसान न्याय योजना लेकर आएंगे, इसके साथ ही खेती के लिए किसानों को 12 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए किसानों के हित में कांग्रेस द्वारा लाई गई योजनाओं के बारे में बताते हैं। किसान न्याय योजना, किसानों का कर्ज माफ करने की योजना, किसानों को 5 HP तक मुफ्त बिजली देना, 12 घंटे बिजली देने की योजना, किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। और आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।